celebrated actor, superstar of India, Mr. Govinda. Let's welcome Govinda in Nepal. I was not prepared for this actually. Actually, Nepal में आपको बहुत बहुत प्रेम करते हैं. Yes, please, please kindly text it. Yes. And in a very short notice they have come because we are not finalized for the press meeting. Finally, Kalim bhai gave me the signal and okay, fine, we'll do it and this is happening. Yes, okay. सबैजनालाई धन्यवाद तपाईँहरू यहाँ आइदिनु भयो एकदमै छोटो नोटिसमा. हामी अत्यन्तै कम समय हामीसँग छ तर हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पिठ्यौँमा धाप मार्नको लागि टु प्याट ब्याक अन द फिल्म इन्डस्ट्री फिल्म फ्रेटर्निटी अफ नेपाल गोविन्दा सर हेज काइन्डली कन्सेन्टेड टु एटेन्ड एलजी फिल्म अवार्ड दिस इयर. दिस इज द थर्ड इयर इन अ रो. फर्स्ट इट वाज विथ शत्रुघ्न सिन्हा, सेकेन्ड इट वाज विथ माला सिन्हा एन्ड सिपिलोनी, एन्ड दिस टाइम सेलिब्रेटेड एक्टर, भेरी फेभरेट अफ अल नेपालीज एन्ड नेपालका जवाई साहब गोविन्दाजी. मैं साहस और प्रेम की इस धरती के प्रणाम करता हूं और मुझे खास तौर पर यहां से प्रेम मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. जो यहां के वरिष्ठ गण हैं उन सभी के चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं और जो जितने यहां के लोग जो मुझे प्रेम करते हैं वो सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं. मैं इससे पहले परंतु ये प्रथम टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं फिल्म लैंड के किसी फंक्शन में यहाँ पे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ. कला और कलाकार इन सभी पे जनता जनार्दन की जो कृपा सदैव रहती है और जो संबंध रहा था करता है वो इसलिए क्योंकि वो सर्वस्व व्याप्त है और यहाँ से निकला हुआ निकली हुई हर बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है और हम लोगों का ये जो वर्ग है ये प्रेम वर्ग है, साहस का वर्ग है और ये साहस और प्रेम सदैव रहा करे और इसकी कृपा हम लोग पे दैवी रूप से सदैव रहा करे. इसी की मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ और प्रणाम करता हूँ. धन्यवाद. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. कोई प्रोग्राम आप कहीं जाएंगे? पशुपति जा रहे हैं चंद्रा जी, पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने वाला हूँ और फंक्शन अटेंड करके ये चंद्रागिरी हिल्स करके एक छोटा जी और जितने सुंदर जगह है क्योंकि सुनीता मेरी पत्नी जो है वो यहीं से है तो वो जहाँ जहाँ कहा करती है जैसे आप सब है वैसे ही मैं हूँ. पहले पत्नी का ऑर्डर चलता है और मैं इसके लिए मशहूर रहा हूँ. लोग कहा करते हैं कि गोविंदा मशहूर है कि पहले इसने जो माता जी ने कह दिया वही किया जीवन में और अब जो पत्नी कहा करती है वही किया करता हूँ. तो मुझे ये लगता है कि जो स्त्री शक्ति है वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है और इतना ज़्यादा वर्ल्ड समझती है. इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष नहीं समझते, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु वो इतनी ज़्यादा कनेक्टेड कि मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन की पूर्णता जितनी भी मुझे जो सफलता मिली है मैं उसका धन्यवाद देता हूँ. मेरी उसका श्रेय मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी के देता हूँ क्योंकि जो कुछ हुआ मैं और जो मैं कुछ कर पाया उन्हीं की कृपा से कर पाया. तो यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ. आई होप के वी विल हैव अ ग्रेट टाइम. जस्ट अ मिनट. यो कार्यक्रम एलजी अवार्ड्स को पासेस ये चाहिए ऑल इन्वाइटेड शो है, ये कोई टिकट शो नहीं, इन्वाइटेड शो है, ऑल सेलिब्रेटेड फिगर आदि. तो पत्रकार साथीहरूलाई यदि त्यो इन्भिटेसन कार्ड पुगेको छैन भने यहाँ नाम लेखाइरहेको छ त्यो हिसाब र वरुण चौधरी एज अ होस्ट एन्ड दिनेश डिसी पर्सनल्ली तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु बिकज प्रेस बिना हाम्रो केही पनि छैन. तपाईँहरूले भनिदिएर हाम्रो कुरा हुने हो. ओके प्लिज. अलिअलि आउँछ कस्तो छ. हाउ मेनी वर्ड्स यु नो
How many words? I can understand everything. Yeah. But there is nothing like that. This, if you will not speak too fast, I'll understand everything. मुझे सब समझ आएगा. तो हम कुछ शब्द सुनने चाहते हैं. आप जो शब्द कहिए मैं उसको कह सकता हूँ. आप कहिए. तपाईं कति वर्ष पुग्नु भयो? एकदम हैंडसम देखिरहेको छ. We should not discuss the age. I would like to say thanks to Chaudhary Sahab, Varun Chaudhary Sahab, के आज ये मौका मिला जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पे आए. और जो आपकी इच्छा है मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी ना कभी किसी दिन तो किसी नेपाली फिल्म में काम करके पूर्ण कर दूंगा. थैंक यू सर. सर जी कादर खान अभी अभी मीडिया में नहीं है सर, आपका बहुत करीब के दोस्त है, उनके बारे में कुछ मालूम है आपको? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो गुरु प्रधान व्यक्ति है और निजी जीवन के उन्होंने हमेशा अपना अलग रखा है. जहाँ तक हम लोगों का सिर्फ फिल्म लाइन का नहीं है, थोड़ा सूफी संबंध है. और मैं उन्हें कुछ कहूँ कादर खान साहब से कि मेरे दिल में ये इच्छा आ रही है, ये थॉट है, तो वो कभी भी उसका द्वेष या असम्मान नहीं करते थे. और वो मुझे कुछ कहे तो मैं फिल्मों में एक्टिंग की डायलॉग जो मुझे पढ़े समझ पाया कि मैं ऐसे एक्ट करूं, उसके लिए मैं उन्हीं को धन्यवाद देता हूं. और अदरवाइज़ पूरा निजी जीवन जो है वो उन्होंने एकदम अलग अपना रखा हुआ है, वो एकदम अपने हिसाब से चलते हैं. क्योंकि गुरु वर्ग के व्यक्ति हैं वो, थोड़ा सा वैसा उनका स्टाइल है. पर मेरी तरफ से मैं उन सभी आर्टिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासतौर पर आदरणीय कादर खान जी का, आदरणीय दिलीप साहब का, आदरणीय जितने मेरे साथ में एक्टर्स जिन्होंने फिल्मों में काम किया, जिनकी वजह से मैं टॉप पे आया या एज एन एक्टर मैं अच्छा काम कर पाया या आप लोगों को वो सिनेमा अच्छा लगा, मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूँ. आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का, आदरणीय राजेश खन्ना जी का, शत्रुघ्न सिन्हा जी का, इन सभी मेरे जितने सीनियर्स कलाकार हैं इनकी वजह से आई कुड डू द बेस्ट इन द फिल्म लाइन. और वो इम्पोर्टेंट होता ही है, उसके बिना कहाँ होता है. हम जानने चाह रहे हैं कि कितने इयर्स हो गए आपको मुलाकात नहीं हुआ कादर सर से? मुझे काफ़ी समय, उनके निजी जीवन के हिसाब से वो हमेशा ना साल काफ़ी समय से काफ़ी मेरा आप शॉक हो जाएंगे. मेरी मुलाकात जिनके साथ 17 पिक्चर कर दिया डेविड धवन से अभी तक नहीं हुई. 10 साल हो गए. हाँ ऐसा मीडिया में बहुत सारी चीज़ें निकली थी. मैं कह रहा था सुनीता से कि ये कहाँ से निकला ऐसा ये थॉट. परंतु जिस वक्त से मैं पॉलिटिक्स से निकला हूँ मैं मेरी मूवमेंट्स अपनी जो है उतनी ही करता हूँ कि इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो बाहर निकल आती हैं मैं थोड़ा सा अलग थलग उस विषय में ना, क्योंकि उस विषय में चर्चा करने से है जैसे किसी प्रेम की वजह से या किसी संबंध की वजह से और ज़्यादा आदमी अलग प्रयत्न तो नहीं शायद कर रहा. तो मेरा अलग नेचर है, मैं आता हूँ तो यहाँ पे या तो पशुपतिनाथ में प्रार्थना करता हूँ और ख़ास तौर पे उसी लिए आता हूँ यहाँ पे. और ख़ास तौर पे सुरिता के जो यहाँ पे रिश्तेदार हैं या जो लोग हैं उन्हें मिल लेता हूँ और उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ. फिल्म चल रही है अभी फिलहाल, मेरा एक म्यूजिक वीडियो आएगा रांझा विद लिल गोलू एंड ही इज ऑल्सो नेपलीज, हाफ नेपलीज एंड हाफ शर्मा लाइक मी. सो एक म्यूजिक वीडियो आएगा मेरा और इसी साल मेरी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है. जी यश की तबीयत ठीक रही थी तो सुनीता ठहर गई, अदरवाइज शी वाज कमिंग टुडे. पूरा परिवार हम लोग का आज यहाँ पे हम लोग आ रहे थे साथ में. रात में 12:30 बजे वो डिसीजन हुआ नहीं आने का. हाँ मतलब कि शी वाज रोने लग गई कि मैं हम लोग सब साथ निकल रहे थे और टीना ही साथ में यहाँ पर आ पाया नहीं. लेकिन वी विल टेक केयर. थैंक यू.
फिल्म इंडस्ट्री कति माया हो हैन फिल्म इंडस्ट्री को पूरे लेवल अहिले कति नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै फिल्महरु बनिरहेको भनेर हामी सुन्छौं अब इंडस्ट्री को पूरे लेवल हामीले माथि अलि प्रमोट कसरी गर्ने इन्करेज कसरी गर्ने मैले त नेपालमा मात्र हैन इन्डियामा पनि पटक पटक हाम्रो प्राइम मिनिस्टरहरू जान्दाखेरि जहिले पनि हामीहरू बलिउडको कलाकारसित हाम्रो जति पनि स्टार्सहरूसित हामीले भेटघाटै गराएर आउँछ कि आउनुहोस् तपाईँहरू नेपालमा आउनुहोस् नेपालमा पनि सुटिङ गर्नुहोस् भन्ने एउटा नेपाललाई पनि हामीले बाहिर प्रमोट गरेर हाम्रो सुटिङको एभेन्यूको हिसाबले पनि हामीले गर्न आउँछौँ किनभने बलिउडको सुपरस्टार सबैले चिनेको जानेको नेपाललाई अत्यन्त माया गर्ने स्नेह गर्ने प्रेम गर्ने र नेपाल भनिसकेपछि हुरुक्कै हुने भुतुक्कै हुने गोविन्दजी आज आउनु भएको छ Yes, produced. It's a very popular journalist. समीक्षा गर्दिनुस् हेरिदिनुस् र म पनि पहिलो पटक चलचित्र क्षेत्रमा आएको छु नि म थाहा हुन्छ रिपोर्टर्स फ्रम नेपालमा हामीले गोविन्दजीलाई पहिला राखेका थियौँ गोविन्दजीले रिपोर्टर्स फ्रम नेपालको कार्यक्रममा ढाका नीतिमा दुई वर्ष अघि आउँदाखेरि होइन करिब दस वर्ष अघि होइन दिनेश दस वर्ष अघि गोविन्दजीले आउँदाखेरि जुन किसिमको कुरा बोल्नु भएको थियो आज त्यही कुरा बोल्नु भएको छ म यति खुसी छु हृदयदेखि नै तपाईँलाई म नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपालको 15,000 पत्रकारको तर्फबाट तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु मैं खास तौर पर यह कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी आदरणीय माता जी निर्मला देवी जी जिस वक्त यहाँ का टॉपिक निकलता था वो कहा करती थी गोविंद जो अष्ट तारा का स्थान है वो शुरुआत जो है वो यहाँ से ही नेपाल से ही हुई और अष्ट तारा की कृपा फिर यहाँ पर गुप्त हो गई थोड़ा समय के लिए लुप्त हो गई और फिर वो उतर कर पूरे वर्ल्ड में निकल गई मेरा ये सोचना है कि वो जो कृपा है जिस तारा माँ की कृपा से जितने जो आर्टिस्ट हैं वो हम होते हैं वो माँ विद्या प्रदान करती है और उसकी वजह से हम उच्च स्थान पे आके पूरे जगत के अंदर माया चलचित्र क्षेत्र के माध्यम से इतना आगे निकल आते हैं उसका मूल स्थान जो है उसकी देवी जो है माँ अष्ट तारा जो है उसकी कृपा का ये जगह है ये हम समझें और ये समझ के हम जिंदगी में क्या अच्छा कार्य कर सकते हैं और कितना चमक सकते हैं और आगे निकल सकते हैं इसका हम प्रयत्न करें और प्रार्थना करें जय तारा माँ लव यू ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर Yeah, don't you understand? Don't you say, but we're going to do that. I'll tell you in the book.